बट मुनव्वर कैन गो अलोन एंड ही कैन विन द शो, ही कैन प्ले सोलो, बट मनारा कैन नेवर प्ले सोलो, शी ऑलवेज नीड्स पीपल. सबको पता है कोई किसी से मिलता भी नहीं है, वो दोस्तियां भी नहीं रही. जो असल दोस्ती रही उनकी तो इतनी चर्चा होती नहीं, मेरी पूजा मैम की तो इतनी सोशल मीडिया पे हैशटैग नहीं बने, तो ओरिजिनलिटी की कमी फिलहाल लग रही है मुझे. बट अभी कितने ही दिन हुए हैं तो क्या ही कह सकते हैं. किसी भी इंसान का इतना इंपल्सिव होना, मुझे डेस्परेट लग रहा है वो, मोर देन फेक ही इज डेस्परेट. सो हाय बेबी का वेलकम टू टेली बाइट्स। एक बार फिर हेलो आपसे हरी, मुलाकात हो रही है, लेकिन इस बार सामने से रूबरू नहीं, लेकिन फोन के जरिए ही हो रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल. चलिए, कैसा है आपका दुबई? कैसा लग रहा है काफी टाइम बाद जाके? और कुछ खुशखबरी भी है वहां पे, आपने खुद का फ्लैट भी ओन किया है, क्या कहना चाहेंगे इसको? वो एक्चुअली एक 360 डिग्री टर्न है मेरी लाइफ का. और हाँ, मैंने खुद का एक अपार्टमेंट लिया है, बट जो मेरा अपार्टमेंट मैंने लिया है वो एक प्राइम लोकेशन में है और एक अलग जगह विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन. तो 2 साल में मुझे हैंडओवर होगा, बट अभी जो है आई एम लिविंग एट अ स्पेस फॉर माई सेल्फ. हाँ, वी कैन सी इट्स वेरी हैक्टिक फॉर यू, बट द थिंग इज के जब आप बिग बॉस ओटीटी पे आप अपने कदम रख चुकी थी, तो एक सेलिब्रिटी से आप कम नहीं है आप, तो आप क्या कहना चाहेंगी के क्या क्या है आप? कह रहे हो कि वो अब्यूजिव था आपके लिए, फिजिकल अब्यूज रह चुकी थी. भाई अगर किसी लड़की को किसी लड़के से फिजिकल अब्यूज मिले, वो बात भी ना करे ढंग से, उससे उसे देख के कतरा है, उससे दूर हटे. बट एनीवेज, अगर उनको लगता है कि गेम में दैट्स हेल्पिंग देम, तो लेट देम बी. का प्रोजेक्ट और कब हम आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं? वेल, देखिए अभी भी मुझे लगता है मैं सेलिब्रिटी बनी नहीं हूँ, क्योंकि करने को अभी बहुत कुछ लाइंड अप है और बाकी है. वो तो कर लूँ तब जाके आएगा ना फीलिंग कि मैं सेलिब्रिटी हूँ. तो द थिंग इज कि नाउ माई बोटी बोटी सॉन्ग इज अबाउट टू गेट शॉट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है या तो इंडिया में होगा या तो दुबई में. मैं पुश कर रही हूँ कि दुबई में शूट हो ताकि वैल्यू बढ़े, लेकिन प्रोडक्शन पुश कर रहे हैं कि इंडिया में शूट हो, तो वो थोड़ा बैटल चल रहा है, उस वजह से सॉन्ग पेंडिंग है. दूसरी बात, तो जियो सिनेमा के साथ मेरा एक सेगमेंट है जिसके लिए मैं कल शूट कर रही हूँ. आई विल बी इन मुंबई टुमारो ऑन थर्सडे. उसके अलावा आई एम डूइंग अ बॉलीवुड मूवी फॉर नाउ, विच इज बाय अ वेरी फेमस एंड सॉलिड, यू नो, रिनाउंड प्रोडक्शन. एंड द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज सासी, शी इज सरकास्टिक, बट शी इज वेरी वल्नरेबल एंड लविंग एज वेल. ओके, अभी आप फिलहाल दुबई में हैं, लेकिन मुंबई आते ही सबसे पहली मुलाकात आप किससे करने वाली हैं? मेरे पेरेंट्स या मेरे घर वाले, मेरा डॉग. सबसे पहले घर जाऊंगी, वहां से सब सामान उठाऊंगी, फिर शूट पे जाना है तुरंत, इन हाफ एन आवर आपको टाइम लाइन. और वहां से फिर शूट खत्म करके पूजा मैम से मिलूंगी फॉर श्योर, और फिर वापस फ्लाइट के लिए रवाना. मतलब हम वापस आपका गेट टुगेदर देख सकते हैं, भले वो छोटा ही हो, लेकिन हो जाएगा। अरे बाबा, हमारे कितने गेट टुगेदर्स होते हैं, हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं. आप लोगों तक कम आए हैं, हम तो हजारों बार मिलते हैं. जब मैं मुंबई में थी, दुबई आने से पहले मैं हर शाम उनसे मिलने चली जाती थी, तो हम हर शाम बहुत गैदरिंग्स करते थे. बट जो स्पेशल गेट टुगेदर्स होते थे, कोई इवेंट हो या कोई आउटिंग हो, वो आप तक तो पहुंच जाता था. बट आपको क्या बताऊं कितना मिलते हैं. ओके, तो बेबी का ये पूछना चाहूंगी क्या, क्योंकि बिग बॉस 17 सीजन स्टार्ट हो गया है, क्या आप उसे फॉलो कर रही हैं या कुछ न्यूज़ या ग्लिम्प्स देखती हैं आप? वेल, बिग बॉस 17 का मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं अरबी चैनल देख रही हूँ, मुझे अरबी सीखनी भी है. लेकिन मुझे रील्स में ग्लिम्स आते रहते हैं, क्योंकि आता है ना फीड्स, आता रहता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया आ रहा है कि व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स नॉट. सो मेरे हिसाब से आपका जो सीजन है ना, वो काफी हद तक एक रटा रटा ऐसा सीजन लग रहा है. कंटेस्टेंट्स ब्लैंक इन द हेड लग रहे हैं. ऑफकोर्स हर कोई उस घर में जाता है ब्लैंक ही जाता है, और वहां जाके चक्रम हो जाता है. जो सोच समझ के आते हैं वो भी ब्लैंक हो जाते हैं, माहौल ही इतना क्रूशियल होता है. लेकिन आप पिछले कंटेस्टेंट्स का बिहेवियर पैटर्न और उनका खेल फिर से दोहरा के वही घिसा पिटा ढंग करोगे, तो वो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा. आपकी अगर कोई यूनिक पर्सनालिटी है, तो उसे अपने हिसाब से ओरिजिनली दिखाई. तो ओरिजिनलिटी की कमी फिलहाल लग रही है मुझे, बट अभी कितने ही दिन हुए हैं तो क्या ही कह सकते हैं. थोड़े दिन आगे बढ़ने देते हैं, देखते हैं क्या होगा. मगर भले कम ही वक्त हुआ है, पर आपने अगर पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा, अभिषेक कुमार को लेके जो काफी चीजें चर्चा में है, लोग उन्हें फेक कह रहे हैं। अगर आपने उन्हें देखा है, तो आपका क्या मतलब व्यू पॉइंट है उन्हें देखकर? मैंने देखा कि घर में एंटर करते ही वो एग्रेशन और काफी इम्पल्सिव हो रहा है. तो किसी भी इंसान का इतना इम्पल्सिव होना, मुझे डेस्परेट लग रहा है वो, मोर देन फेक ही इज डेस्परेट.
तो और डेस्परेशन में इंसान काफी ऐसे कदम उठा लेता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए, जब वो जो उसके एक्चुअल पर्सनालिटी को इतना डिपिक्ट नहीं कर पाता। ओवर द टॉप हो रहा है वो, ओटीटी नहीं है ना, टीवी है ना, अब तो क्यों ओवर द टॉप हो रहा है। तो मेरा यही कहना, मुझे थोड़ा डेस्परेट लग रहा है, वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है बिना बात के ना हो। अभी जैसे मैं शो में थी, मैंने पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ते मैंने काफी कुछ झेला था। मैंने एंटर किया नहीं, मुझे 6 लोगों ने नॉमिनेट करके पहले हफ्ते में निकलवाने की कोशिश की। मुझे फेक क्लेम करने के लिए सबने नॉमिनेट कर दिया, फेक करार कर दिया, जबकि जनता ने मुझे फेक करार नहीं किया था। फिर मुझे जेल भिजवा दिया गया, फिर पीठ पीछे बैठ के मेरी इतनी पिचिंग करते रहते थे, फिर मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की गई, फिर क्या कुछ होता रहा, तब मेरा एग्रेशन ब्लास्ट हो गया। तो आपको उतना तो मेंटल स्ट्रेंथ रखना होगा ना, आप एग्रेसिव हो सकते हो, गुस्सा आप कर सकते हो, आपका पूरा हक है, हर इंसान का हक होता है कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करे, गुस्सा भी व्यक्त कर सकता है, लेकिन उसके पीछे एक ठोस वजह भी होनी चाहिए। पर वो आते ही शुरू हो गया ना, तो वो बहुत ही डेस्परेट लग रहा है और इनसिक्योर लग रहा है मुझे। लेकिन अभिषेक की चर्चा जो ईशा मालविया के साथ, उनके साथ जो रिलेशन को लेके थी, उन्होंने सलमान खान के सामने भी ईशा ने जो कुछ इल्जाम लगाया अभिषेक पे कि वो फिजिकली फाइटिंग करते थे वगैरह ये सब, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ घर में अच्छे भी नजर आते हैं। तो आपको लगता है कि इनकी स्ट्रैटेजी है या क्या, किस तरीके है, क्योंकि ऑडियंस इनको देख के कंफ्यूज है, कभी वो चिल्लाते हैं एक दूसरे के ऊपर तो कभी एक दूसरे के साथ होते हैं। वेल देखिए, बिग बॉस के घर में इक्वेशंस चेंज होते हैं, लेकिन उन पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। लेकिन इतनी गंदी लड़ाइयों के बाद कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं बन सकता है जितना वो दिखा रहे हैं। ये ह्यूमन नेचर है, रियलिस्टिक ह्यूमन नेचर ऐसा नहीं होता। आप कह दो मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं माफ कर सकती हूँ, मैं माफ कर सकता हूँ, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, नहीं मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छी इंसान हूँ, देखो, ऐसा नहीं होता है यार। किसी को किसी बात से ठेस पहुंचे और आपका इतना बड़ा हिस्ट्री रह चुका है, आप कह रहे हो कि वो अब्यूजिव था आपके लिए, फिजिकल अब्यूज रह चुकी थी, भाई अगर किसी लड़की को किसी लड़के से फिजिकल अब्यूज मिले, वो बात भी ना करे ढंग से उससे, उसे देख के कतराए, उससे दूर हटे। बट एनीवेज, अगर उनको लगता है कि गेम में दैट्स हेल्पिंग देम, तो लेट देम बी, लेट्स सी व्हाट टाइम अनफोल्ड्स, क्योंकि वक्त के साथ जो पता चलता है वो अभी नहीं पता चल सकता। आपको ये तो पता होगा ना, बेबी का इस बार की थीम कपल्स वर्सेस सिंगल है, तो कपल्स में हाँ, तो अंकिता विकी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, ऐश्वर्या और नील दोनों। और ठंडे पड़ रहे हैं तो देखने का अफसोस है, लेकिन जब तक इनको झटके नहीं मिलेंगे तब तक ये लोग खुलेंगे नहीं। अब सलमान सर आके देंगे इनको झटके वीकेंड के बाहर पे। हस्बैंड एंड वाइफ इन दोनों की भी एंट्री हुई है, पर क्या आपको ऐसा लगता है कहीं पर ग्लिम्स देखे कि ये लोग बहुत पावर पैक कपल्स है, क्योंकि अभी तक तो काफी ठंडे चल रहे हैं। अभी ठंडे चल रहे हैं, लेकिन बिग बॉस के शो में इनको इंडिविजुअली चलना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। और अगर इंडिविजुअली नहीं भी चले ना, इनके बीच की कपल में जो रियलिटी है ना, वो एक्सपोज हो जाएगी इस शो के माध्यम से, कि सच्ची में ये कपल अंदर से कैसा है। तो वहां फूक हाँ फूक के कदम रखने पड़ेंगे इनको, अगर ये चाहते हैं कि लोगों में जो एक्सपोज हो रहा है वो कितना अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो उनके हाथ में है। तो मुझे लगता है कि इनके एक्चुअल इक्वेशन इस शो में काफी एक्सपोज हो जाएंगे। और ठंडे पड़ रहे हैं तो देखने का अफसोस है, लेकिन जब तक इनको झटके नहीं मिलेंगे तब तक ये लोग खुलेंगे नहीं। अब सलमान सर आके देंगे इनको झटके वीकेंड के बाहर पे। लेकिन बिग बॉस में जो आप लोग को ये मौका नहीं मिला था, जिस तरह बिग बॉस ने कहा कि डंके की चोट पे मैं बायस्ड हूँ, जैसे इस सीजन में है वो। हाँ भाई, मैं मेरी तरफ कोई बायस्ड नहीं था, मुझे कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं था, बिग बॉस ने कभी बोला भी नहीं बेबी का मैं बायस्ड हूँ तुम्हारे लिए। काश होते वो, मुझे लिटरली अपनी पूरी जर्नी अकेले भिड़ भिड़ कर और अकेले एंटरटेन करके और अकेले संयम रखकर या खुद को स्ट्रांग रखकर निकालनी पड़ी। बहुत एडवांटेजेस है इनके वक्त पे, तो आई एम रियली जेलस अबाउट इट। पर शायद ये लोग इस एडवांटेज का फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि बिग बॉस की जो फेवरेट मनारा है, मनारा चोपड़ा और मुनव्वर, ये लोग फेवरेट है बिग बॉस के, तो ये ये बिग लोग बॉस को ने खुद शायद, कहा है, खुद कहा है बिग बॉस ने। हाँ जी, ये उनकी फेवरेट, मतलब मनारा उनकी दोस्त बन चुकी है इस बिग बॉस शो में, बिग बॉस की हाँ दोस्त है तो उनकी फेवरेट्स है, क्योंकि बिग बॉस का कहना है खुद के मेरे फेवरेट्स होंगे यहाँ पर। तो उसमें हाँ मनारा और मुनव्वर है जिनके हैशटैग भी बाहर बने हैं, ईशा मुनव्वर का भी हैशटैग बाहर बना है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर कि जो मतलब ऐसी जोड़ियां जब लोग अंदर आते हैं और इस तरह हैशटैग्स बनते हैं ट्रेंड्स में, इसके लिए क्या कहना है, फैंस किस वे में इन्हें पसंद करते हैं? वेल देखिए, हैशटैग्स बनते हैं ऑफ कोर्स, फैंस का हम दिल नहीं तोड़ सकते, उनको जो अच्छा लगता है वो बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फैंस के हैशटैग बनाने से वहां पर रिश्ते अटल या असली नहीं होते। घर से बाहर निकलने के बाद लोगों के बीच जो रियल इक्वेशन है वो तो रहेगा ना, एक हैशटैग की वजह से वो पैरअप नहीं होंगे। वो हमारे सीजन में भी हुआ, काफी हैशटैग्स बनते गए, लेकिन असल जिंदगी में क्या हो रहा है,
सबको पता है, कोई किसी से मिलता भी नहीं है, वो दोस्तियां भी नहीं रही। जो असल दोस्ती रही उनकी तो इतनी चर्चा होती नहीं, मेरी पूजा मैम की तो इतनी सोशल मीडिया पे हैशटैग नहीं बने, ना चर्चा हुई। बट दोस्ती किसकी जेन्युइन और अटल और कहते हैं ना स्ट्रांग है, वो दिख रहा है यस ना। तो ये हैशटैग्स पे मत जाइए, क्योंकि ये बस पल भर की, छोटे छोटे बच्चे हैं यार अपनी ऑडियंस, प्यारे छोटे बच्चे, उनका दिल रखने के लिए हैशटैग बनते हैं, उनको खुशी मिलती है, उनको खुशी मिलने दीजिए। बट असली रियलिटी हैशटैग्स के बेसिस पे पैरअप्स नहीं होते। अभी तक कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको इसका गेम देख के बड़ा मजा आ रहा है? मुझे मुनव्वर का गेम काफी लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इंटेलिजेंट है बंदा, बहुत मास्टरमाइंड लगता है मुझे, और वो उसके जीतने के चांसेस भी मुझे स्ट्रॉन्ग लगते हैं। लेकिन वल्नरेबल है मुनव्वर, दिखाता नहीं है खुद को, स्ट्रांग दिखाता है खुद को बट अंदर से बहुत वल्नरेबल है, और उसका फायदा उठाया जा सकता है। काफी कंटेस्टेंट्स उसे यूज कर सकते हैं अपने गेम को स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन जब मुनव्वर खेलने जाएगा ना, तब दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुनव्वर का गेम स्लो पड़ सकता है या वीक पड़ सकता है। तो उसे अपनी संगत बहुत सोच समझ के चुननी पड़ेगी, ये चीज मुझे लगती है अबाउट मुनव्वर। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन बाय फार। बाकी तो आपका ऐसा नहीं लगता कि मुनव्वर बहुत जल्दी खुलते नहीं है, उनके पत्ते जल्दी सामने नहीं है किसी? हाँ, वो गुन्ना है, अंदर रखता है सब कुछ, मास्टरमाइंड है ना, मास्टरमाइंड थोड़ी ना इतना आउटस्पोकन रहेगा। तो बट वो दूसरों को खोलने की कोशिश करता है, आपने देखा है वो कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं उसके, बैठ के सामने वाले इंसान को पूरा एनालाइज करके एक्सेस करता है, उनकी दुखती नस ढूंढता है। दीपिका, अगर आपको इस सीजन 17 में जाने का अगर मौका मिले तो आप किसे जाके सपोर्ट करेंगे? मुनव्वर को करूंगी ऑफ कोर्स 100%, और बाकी तो मनारा मुझे इतनी खास नहीं लग रही है, इवन दो मुझे वो काफी आग लगाऊ टाइप्स लगती है, तो मुझे उसका गेम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। बहुत आसान गेम है, लाइक शी कैन नॉट गो अलोन इन द शो, बट मुनव्वर कैन गो अलोन एंड ही कैन विन द शो, ही कैन प्ले सोलो, बट मनारा कैन नेवर प्ले सोलो, शी ऑलवेज नीड्स पीपल टू गो समवेयर, आई कुड सी दैट फ्रॉम हर पर्सनैलिटी। तो देविका, कब आपसे मुलाकात हो पाएगी और कब आपके प्रोजेक्ट्स हम देख पाएंगे, ये भी एक जानना चाहेंगे? और लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहती है, कितनी जल्दी आप इस खुशखबरी को हम सबके साथ शेयर करें? देखिए, जल्द से जल्द मेरा सॉन्ग, पहले वो जो डिस्प्यूट है कि कहाँ शूट होना है, वो डिस्प्यूट थोड़ा ये हो जाए, डिसाइड हो जाए। मैं तो चाहती हूँ दुबई में हो जाए, लेकिन वो जो वेन्यू डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से शूट होने, पहले वो आएगा। जियो सिनेमा पे मेरा एक सेगमेंट आ रहा है विथ द वन एंड ओनली कृष्णा अभिषेक, तो उसके लिए भी आप सब काफी एक्साइटेड रहे होंगे, आई मीन उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा। फिर मूवी तो मेरी जैसे स्क्रिप्टिंग में है अभी, एंड दे आर टॉकिंग टू प्लेटफॉर्म्स, एंड जैसे ही सब कुछ इन लाइन हो जाएगा आई कीप एवरीवन अपडेटेड फॉर श्योर। एनी मैसेज टू द फैंस? यही कि प्लीज कीप सपोर्टिंग, प्लीज कीप लविंग, प्लीज बी देयर फॉर अस, एंड वी आर हियर टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ आवर सेल्फ, और आपकी वजह से हमारा वजूद है, और जितना हम पे आप प्यार बरसा रहे हैं, ऊपर वाला आप पे उससे ज्यादा प्यार बरसा रहे। थैंक यू बेबी का, नाइस टू मीटिंग यू थैंक एंड यू, नाइस टू टॉक टू यू, और होप हम नेक्स्ट टाइम फिर मिले और फिर कुछ बातें करें। थैंक पक्का यू। पक्का, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.